क्या आपके चेहरे पे मेरी तरह स्कार्स हैं? क्या आप लोगों की लूमिनेस फ्लॉलेस स्किन देख के हैरान हो जाते हैं क्या आप अपनी स्किन का मेकअप ऐसा कभी कर नहीं पाते चिंता मत करिए दोस्तों मैं आ गई हूँ आपकी मदद करने के लिए हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हालचाल चाल हैं उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं हैं तो आज मेकअप वाले दोस्त ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे स्पेशली वो जो दोस्त कंफ्यूज रहते हैं कि लोगों का फेस मेकअप इतना अच्छा क्यों लगता है हमारा क्यों नहीं लगता मेकअप है मेकअप जैसा ही लगेगा उतना फ़्लॉलेस जितना वो पिक्चर्स या वीडियोज़ में लगता है वो रियल लाइफ में नहीं लगता है इतना आप चिंता मत करें कि आपकी स्किन ख़राब है सारी के लोगों की ऐसी ही होती है बट येस कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करके आप अपने चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉलेस बना सकते हैं बट ऐसा कोई फिल्टर नहीं है कि आपका चेहरा एकदम मेकअप लगाएंगे तो प्लेन हो जाएगा आपका चेहरा वैसा ही रहेगा जैसा है इवन मेकअप जो आपकी इन परफेक्शन है उसको इनहेंस कर देता है अगर आपके चेहरे पर टेक्सचर है नॉर्मल आपने कोई मेकअप नहीं पहना तो इतना नोटिस नहीं होता पर जब आप मेकअप लगाते हैं और ज्यादा नोटिस होता है सो so ये नॉर्मल है अभी पिक्चर्स एंड वीडियोज को देख के ऐसे मत सोचे की आपकी स्किन खराब है पर येस मैं आपके साथ कुछ टिप्स जरूर से शेयर करूंगी जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो एंड ज्यादा से ज्यादा फ्लॉलेस लगे बेस सो so, इस वीडियो को देखते रहे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए क्योंकि बहुत प्यारी एंड हेल्पफुल वीडियोज बनाती हूँ एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर एंड ऑफ द डे ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर से करना एंड अपने प्यारे से विचार कमेंट बार में छोड़ना विदाउट फर्दर ड्यू वीडियो के साथ शुरू करते हैं सबसे पहला स्टेप है कि आपकी स्किन अच्छी तरह प्रिपेयर होनी चाहिए अदरवाइज आप जो मर्जी कर लो आपकी जो स्किन है फ्लॉलेस नहीं लगेगी मेकअप ब्रेक हो जाएगा फाउंडेशन में क्रैक्स आ जाएंगे स्किन से अलग से दिखना लगेगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है कि आपके चेहरे पे पीच फाज नहीं होनी चाहिए या बाल नहीं होने चाहिए अगर आप अपने बालों को रिमूव कर सकते हैं किसी भी तरीके से क्रीम से शेव से वैक्स से थ्रेड से या फिर लेजर करवा के आप देखेंगे कि आपका जो चेहरे का मेकअप है फ्लॉलेस रहेगा एंड आपकी स्किन के साथ आपका फाउंडेशन ऐसे अच्छा आ, स्टिक हो जाएगा कि सारा दिन हिलेगा नहीं पर अगर आपके चेहरे पे बाल हैं वो वाली फ्लॉलेस फिनिश कभी नहीं आएगी ये चीज़ को आप पल्ले बांध लें क्योंकि जिसके मेकअप को देख के आप अट्रैक्ट होते हैं उनके चेहरे पर पीच फर्श नहीं होती है सो so, अगर आप पीच फर्श को रिमूव करिए मेकअप करेंगे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा सो so, मैं मेरे चेहरे के बालों को रिमूव करने के लिए शेव यूज़ करती हूँ आई नो ये सुनने में अजीब है पर बहुत सारे साल हो गए हैं मेरे चेहरे को शेव करते हुए उसकी वजह से मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगता है उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी अगर आप ट्राई करना चाहें जरूर से करें एंड uh, इतने सालों के बाद भी मेरे कोई थिक बाल नहीं आए हैं वैसे ही आते हैं जैसे हज़ारों साल पहले थे सो so, अगला स्टेप है आपके चेहरा अच्छी तरह मॉइस्चराइज होना चाहिए मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किन ड्राई है ऑयली है जैसी भी है मॉइस्चराइज़ ज़रूर से करें अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो वाटर बेस्ड जेल बेस्ड से मॉइस्चराइज करें अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करें मैं सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर स्कार्स हैं जो भी आप स्किन केयर यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है सब कुछ चौपट हो जाएगा जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए सो so, मुझे ये सुपर ग्रूप का सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है आपकी स्किन पर और पता भी नहीं चलता कि आपने सनस्क्रीन लगाया है अगर सनस्क्रीन आपके चेहरे को चिट्टा कर दे गाइस मेरी जो स्किन है पूरी अच्छी स्मूथ है पर स्कार्स हैं स्कार्स को हम हाइड करेंगे बट अगर आपकी स्किन में टेक्सचर है बम्प्स हैं वो आप मेकअप से हाइड नहीं कर सकते हैं उसके लिए मेक श्योर sure करें कि आप परफेक्ट अपनी स्किन के हिसाब से स्किन केयर यूज ज़रूर यूज़ करें कोई भी मेकअप आपकी स्किन को बेहतर नहीं बना सकता है मेकअप आपकी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए है पर स्किन केयर पे सबसे ज़्यादा अहमियत दें ताकि जो भी आप मेकअप करें फ्लॉलेस लगे दे ये था ज्ञान फालतू का आपको लेना है तो लें नहीं तो फिर भी लें तो so, मैंने लगा लिया है सनस्क्रीन अब आप की अगर स्किन ड्राई है या फिर डिहाइड्रेटेड है तो आप मिस्ट यूज कर सकते हैं उससे बहुत फ्लॉलेस फिनिश आता है कोई सा भी जैसा भी आपको अच्छा लगता है फिक्सिंग स्प्रेज यूज कर सकते हैं रोज वाटर यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है पर मैं उस स्टेप को अवॉइड करने वाली हूँ एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप कोई सिरम यूज कर सकते हैं कि आपका जो मेकअप एप्लीकेशन है बहुत फ्लॉलेस हो so, पहली टेप ये है अपना पसंदीदा फाउंडेशन लें और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को अपने चेहरे पे मत लगाए थोड़ा 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 करके बिल्ड करेंगे एकदम से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं तो केकी हो जाता है चेहरा जो अब बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो बेसिकली मैं ज्यादातर हैंड के बैग पे लेती हूँ सीधा मेकअप चेहरे पे नहीं लगाती हूँ एंड uh, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं आपकी मर्जी है सो so, मेकअप करने के लिए सिमॉर्गे ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ मैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारे ब्रशेज़ हैं एंड ब्रशेज़ के साथ मुझे लगता है कि फ्लॉलेस फिनिश आती है ब्लेंड करना आसान हो जाता है एंड ये मेकअप ब्रशेज़ की किट है हमारे पास सारे मेकअप ब्रशेज़ है जो भी आपको अपने मेकअप लुक को कम्प्लीट करने के लिए चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से ख़रीदें बहुत ही प्यारे रीज़नेबल प्राइस पे आपको आठ ब्रश मिल जाएंगे ब्रश ले लिया फाउंडेशन को हाथ पे ले लिया ताकि मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने चेहरे पे लगाऊँ मैं स्कार वाले एरिया से शुरू करती हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कवरेज है आउटर एरिया में इतनी कवरेज की जरूरत नहीं होती है वैसे भी अगर आपके चेहरे पे स्कार्स नहीं है तो इस एरिया में आपको ज़्यादा जरूरत होती है तो डबिंग मोशन में हम लगाना शुरू करेंगे स्कार्स को कवर करते हुए और ब्लेंडिंग पे खूब सारा समय लगाएंगे धीरे धीरे प्यार से हर तरफ हम ब्लेंड करते जाएंगे अपने चेहरे से इस मेकअप को अभी काफी प्रोडक्ट मेरे हैंड पे बाकी है और एक ही पंप लिया है मैंने अगर मैं सीधा अपने सहरे पे लगा लूं, तो वो प्रोडक्ट कहा जाता है पता भी नहीं चलता है। एक झट से आपकी स्किन वो प्रोडक्ट को सोख लेती है स्किन ना रेत की तरह काम करती है जैसे रेत पानी सोखती है ना वैसे स्किन हर प्रोडक्ट so, को सोखती है सो इसीलिए अगर आपने अच्छा स्किन केयर किया होगा तो आपका मेकअप अच्छा होगा क्योंकि आपकी स्किन आपके फाउंडेशन को सोखेगी नहीं सो प्यार प्यार से हम धीरे धीरे हमारी स्किन को टैबे मोशन में हमारे मेकअप को ब्लेंड करेंगे काफी ज्यादा पतली लेयर लगाई है सो फार मैंने पर काफी अच्छी कवरेज आ चुकी है थोड़ा सा और प्रोडक्ट लूंगी मैं और जब मुझे बहुत ज्यादा जल्दी होती है लाइक मैं सिर्फ पांच मिनट का मेकअप करने वाली हूँ तो बार अपने चेहरे पे एक एक ड्रॉप लगा भी लेती हूँ जो बचा हुआ है उसको हम फोर पे लगा लेंगे एंड मुझे नहीं लगता हमें और प्रोडक्ट लगाने की जरूरत है अब देखिये मेरे चेहरे पे स्कार से फिर भी एक ही पंप से मेरे स्कार सारे कवर हो गए हैं तो हम ऐसे बिना फालतू के फाउंडेशन लगाते नहीं रहेंगे इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि आपको स्टिल जरूरत है तो फाउंडेशन मत केक केकी करने के लिए अपने चेहरे को फ्लॉलेस रखना है तो आप स्पॉट कंसीलिंग करें मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे स्पॉट कंसीलिंग गर्दन को बिल्कुल मत भूलने okay, उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ब्लेंड करने के बाद मेरी स्किन के जैसा ही लगना शुरू हो जाता है तो चिंता नहीं करेंगे सो so, इसमें मेरे स्कार वाले एरिया पे लगाऊंगी या जहाँ पे भी आपको लगता है प्रॉब्लम है इससे मैं मेरे अंडर आइज पे भी लगा लूंगी इससे मेरा चेहरा बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है लेटर ये मेरे चेहरे जैसा ही लगना शुरू हो जाता है सो इस तरह आप स्पॉट कंसील कर सकते हैं अपने ब्यूटिफुल चेहरे को अभी इसको भी हम ब्लेंड करेंगे पर कैमरे की बैटरी चेंज करनी पड़ेगी तो so, हमारे कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए भी हम सेम ब्रश ही यूज़ करेंगे एंड डबिंग मोशन में इसको ब्लेंड करना शुरू करें ये जो मेरा कंसीलर है टू फेस का ये काफ़ी फॉरगिविंग है तो so, मैं बैटरी चेंज करने के लिए चली गई पर ये स्टिल वहीं पे है पर बहुत सारे कंसीलर ऐसे हैं कि अगर आप लगाएंगे एकदम से ड्राई हो जाते हैं तो मेक श्योर sure करें कि आप इधर उधर को मरमत चले जाएँ क्योंकि फिर वहीं पर ड्राई हो जाएंगे वो हमें नहीं चाहिए अभी ऐसे ही आई को भी हम ब्लेंड कर लेंगे एंड्राई सी it's so nice scarval area एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की थिक थिकनेस के हिसाब से आपको उसको लगाना है ऑयल प्रोडक्ट से क्रीम क्रीम कितनी पतली है कितनी थिक है उसके हिसाब से अगर लगाएंगे तो चेहरा काफ़ी फ्लॉलेस लगेगा अब इस प्रोड इस पॉइंट पे मैं कोई भी क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने वाली हूँ सो मैं पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करूँगी सो मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ ब्लश सो मैं ब्लश लगाने वाली हूँ ये मिलानी ब्रांड का शेड का नाम है लोमिनोसो बहुत ही ब्यूटिफुल सा ये शेड है मैं इसलिए इसको लगाती हूँ कि जब मैं मेकअप को सेट करूंगी पाउडर के साथ ये अंदर आ जाएगा और चेहरे में एक अलग सा ग्लो आता है ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली नेचुरली ब्लश कर रहे हैं सो so, मैं इसको अपने एप्पल्स पे लगाऊंगी हाई पॉइंट्स की तरफ क्योंकि अब मेरी एज हो रही है तो जब मैं ये चिक एरिया में लगाती हूँ तो बहुत मोटी एंड ड्रूली से लगनी शुरू हो जाती है सो so, ये परफेक्ट स्पॉट है अगर आपकी स्किन या आपका चेहरा मेच्योर हो रहा है थोड़ा तो इस पॉइंट पर लगाए तो so, ये चीज डन हो चुकी है सो so, अगला काम करेंगे हमारे फेस को काउट्रो करने का या थोड़ा सा शेप देने का आप देख सकते हैं मेरा सारा चेहरा एकदम चिट्टा सा हो गया है एंड ऐसे लग रहा है कि कोई शेप ही नहीं है चेहरे में सो so, मैं मैक का फाउंडेशन ही यूज करने वाली हूँ इसका नाम है एनसी ये थोड़ा मेरे चेहरे पर डार्क है सो so, अच्छा काम करता है ये मेरे चेहरे को शेप देने के लिए सिमोर का ब्रश लूंगी जानवरसली प्रोडक्ट लेंगे एक्सेस को उतार देंगे मेरे चेहरे को कॉन्ट्रो करने के लिए मुझे ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी ब्लेंड करना है यूजली मैं फेस पाउडर्स ही यूज़ करती हूँ मेरे चेहरे को फ्लॉलेस फिनिश देने के लिए क्योंकि जो कॉन्टोर प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर हार्श होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए बनाया ऐसे ब्लेंड हो जाएगा जैसे ड्रीम सो so, इससे हम मेरे हाई पॉइंट्स पर लगाएंगे सबसे पहले सो so, थोड़ा सा चेहरे में शेप आ गई है चिक बोन्स पे सिर्फ आख दे इस एरिए तक बहुत नीचे तक नहीं लेके आएंगे और इससे हम हमारी हेयर um, लाइन पे भी क्योंकि फिर वो अलग से रंग दिखता अच्छा नहीं लगता ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना तब भी हमारा चेहरा फ्लॉलेस नहीं लगता बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाता है चेहरे पे हमारे uh, हमारे जॉ को भी थोड़ी सी शेप दे देते हैं इसी प्रोडक्ट को थोड़ा सा नोज कॉन्ड्रा कर लेंगे सो वी आर डन फेस मेकअप को सेट करने के लिए आप कोई सा भी पाउडर यूज़ करें लूज पाउडर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं ट्रांसलूसेंट किस्म का कि मेकअप सेट हो जाए पर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइंग ना हो अगर आप मेरी तरह है जिसके चेहरे पर स्कार्स हैं तो आप पाउडर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पाउडर फाउंडेशन भी आपको कवरेज देगा एंड डबल काम हो जाएगा स्कार्स ज़्यादा लंबे समय तक हाइड रहेंगे एंड आपका मेकअप भी सेट हो जाएगा और कवरेज मिल जाएगी तो मैं मैक पावर फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ यह है ए डब्ल्यू थर्टी फाइव ये भी मेरे चेहरे पे थोड़ा डार्क है तो थोड़ा हाथ हम हल्का ही रखेंगे ब्रश पे मैंने लिया एक्सेस को उतार के हल्के हल्के हैंड से मैं इस एरिया को सेट uh, कर दूंगी मुझे लगता है मुझे ना थर्टी uh, मुझे और कोई शेड ट्राई करना पड़ेगा इससे लाइटर क्योंकि मेरा चेहरे पर डार्क लगना शुरू हो जाता है बस इसी एरिया को इससे सेट करेंगे ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए मेरे पास बहुत ही प्यारा सा पाउडर है ये है कटरीज का लाइट एल्यूजन पाउडर जो आपके चेहरे को सेट कर देगा आपका चेहरे को ड्राई नहीं करेगा एंड मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा टक्कन पे लेंगे हम एंड ऐसे पफ पे लेके अपने चेहरे को सेट कर लें अच्छे अमाउंट में लाएँ लगाएँ काज ये जो मेकअप मैं आपको बता रही हूँ ना ये एवरीडे के लिए नहीं है स्पेशल इवेंट्स के लिए है कि जब आप चाहते हैं कि आपका चेहरा ग्लोइंग लगे अभी और प्रोडक्ट लेंगे एक्सेस को उतार के थोड़ा थोड़ा सा अंडर आइज़ को भी सेट कर देंगे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए लाइन्स में भर जाएगा एंड आपकी अखों के नीचे बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ लगेंगी जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए सो so, इसी तरह हम हमारी आई को भी सेट कर देंगे ताकि जब आई शेडो बहुत मज़ेदार लगे और सॉरी उभर के आए शेड ना पिगमेंट ज़्यादा दिखेगा काइज आई होप आप देख पा रहे होंगे कि कितना प्यारा ब्यूटीफुल फ्लॉलेस बेस हो गया है हमारा अभी हमारा आई मेकअप बाकी है आई मेकअप करने के बाद आपसे मिलती हूँ मैं एंड इसको लूमिनेस दिखाने के लिए आप थोड़ा सा हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत थोड़ा ये मेब्लिन का मास्टर क्रोम मोल्टन गोल्ड बहुत अच्छा है ताकि आपका चेहरा बहुत ग्लोइंग लगे किसके सी थोड़ा सा नोज पे चिन पे मेक श्योर sure करें कि जब आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं ना तो किसी भी ऐसे पॉइंट पे मत लगाएं जहाँ पे आपकी टेक्सचर uh, है स्किन पे क्योंकि ये उसे इन्हेंस कर देगा और आपका चेहरा बहुत अजीब लगेगा फ्लॉलेस अचीव uh, करना चाहते थे और कुछ और ही हो जाएगा सो so, जहाँ पे स्किन आपकी स्मूद एंड प्लेन है उसी एरिया को हाईलाइट करें अगर आपका ये एरिया टेक्स्चर्ड है अवॉइड कर दें रहने में टेम्पल्स पर लगा लें या नोज पर लगा लें और दोस्तों फेस मेकअप करने के बाद वापस आ चुकी हूँ नॉट फेस आए मतलब कर लिया है मैंने तो मेरा फिनिश लुक कुछ इस किस्म का लग रहा है ये आई लुक को भी वैसे मैंने शूट किया है इंस्टाग्राम के लिए सो so, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से करें क्योंकि आप बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ मिस कर देंगे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड uh, ये लिप शेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे ये यह बहुत ही प्यारा सा लिप शेड है शी ग्लैम का मिस्टी रोज uh, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑरेंज शेड तो so, मेरे चेहरे पे कुछ इस तरह का लग रहा है अगर आप ऐसा कुछ शेड ढूंढ रहे हैं तो आप जरूर से ट्राई करें सो so, इस तरह हम लोग हमारा फेस मेकअप फ्लॉलेस फेक कर सकते हैं अच्छी तरह प्रेप करके एंड अपनी स्किन केयर पर थोड़ा समय स्पेंड करके एंड आपका uh, जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा बस लास्ट स्टेप है कि आप स्प्रे से अपने फेस को सेट कर लें उससे हाइड्रेशन भी आ जाएगी एंड जो भी आपने product. यूज़ किए हैं वो सारे चेहरे पे अच्छी तरह सेटल डाउन हो जाएंगे स्पेशली अगर आपने बहुत ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट यूज़ किए हैं ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके बाद आपका चेहरा बहुत ब्यूटीफुल सा ल्यूमिनस लगना शुरू हो जाएगा और इसका एक वर्जन है जो आपके चेहरे को मैटिफाई करता है वो ऑयली स्किन वाले लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो लंबे समय तक आपका जो फेस मेकअप है बहुत खूबसूरती से वहीं पर रहे आपको कोई भी टचअप करने की भी जरूरत नहीं होती अगर आपको लगता है कि आपका मेकअप उतना फ्रेश नहीं लग रहा है तो आप ये फिक्सिंग स्प्रे को अगेन से स्प्रे कर सकते हैं अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए सो so, ये बहुत ज्यादा आती है एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल है ये Maybelline की and Maybelline के की एंड के प्रोडक्ट्स क्वालिटी भी अच्छी होती है सो so, यस yes, दोस्तों उम्मीद करती हूँ किया होगा so, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट बार में जरूर से बताना अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी रिक्वेस्ट है तो उसे भी आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं अगर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं उसे भी कमेंट बार में छोड़ सकते हैं कमेंट बार इसी के लिए है कि हम लोग बातचीत कर पाए कन्वर्सेशन फीडबैक अदरवाइज मैं आपके दिल तो पढ़ नहीं सकती हूँ मुझे पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं तो कमेंट जरूर से छोड़ा करें एंड वीडियो को लाइक जरूर से करना उसी से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं एंड अब हम हमारे चैनल पे व्लॉग हैं बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग जिसमें मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ टिप्स ट्रिक्स हाउस वाइफ वाली चीजें तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है एंड नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो को आप मिस नहीं करें एंड मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही नए वीडियो में अपना ख्याल रखें दोस्तों बिल्कुल मत भूलें आप जैसे भी हैं बहुत ज्यादा प्यारे हैं आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें बस आपको एक थॉट क्रिएट करना है एंड उस पर एक्शन लेना है लालू